फैक्ट्री लेवल पर बहुत सारी खाने पीने की चीजों की मेकिंग हमने आपको दिखाई है, लेकिन आज जिस चीज की फैक्ट्री मेकिंग हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको लेकर आ गए हैं इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इडली फैक्ट्री में। जी हाँ, यहाँ पर डेली 45 से 50 हजार इडली बनाई जाती है। और आपको लगा होगा ये साउथ इंडिया में है, ऐसा भी नहीं है, ये है महाराष्ट्र में और इनका इडली को बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग ही है। तो अगर आपको इडली पसंद है इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस देखिए, यहाँ पर इडली बनाने की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सबसे पहले इडली की ट्रे ली जा रही है। और ये देखकर आपको लगा होगा कि इन ट्रे की सफाई की जा रही है, लेकिन असलियत में यहाँ पर प्रेशर पंप से तेल लगाया जा रहा है इन ट्रे के ऊपर। और जो ट्रे भी इस्तेमाल की जा रही है वो प्लास्टिक की नहीं है बल्कि नॉन स्टिक मटेरियल की बनी हुई ट्रे इस्तेमाल की जा रही है। तो जितनी भी ट्रे यहाँ पर रखी हुई है सब पर पहले तेल लगाया जाएगा अच्छे से, और उसके बाद देखिए अब इडली का बैटर लेकर आया जा रहा है। टोटल अपनी दो तरह की इडली बनाई जाती है यहाँ पर, और ये जो बैटर लेकर आया गया है ये है ट्रे इडली का। इसको बनाया जाता है रवा और उड़द दाल से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बैटर को यहाँ पे प्लास्टिक के ड्रम से इन बड़े बड़े स्टील के कंटेनर्स में खाली किया जा रहा है। इसके बाद प्लास्टिक का एक और टब लिया गया है और ये अपना बैटर से भरा हुआ कंटेनर उसके ऊपर रख दिया है। अब एक मग की सहायता से ये बैटर इसमें से लिया जा रहा है और डाला जा रहा है इन ट्रे के ऊपर जिनमें अपना तेल लगाया गया था। और ये बैटर यहाँ पर कोई 2, 4 या 10, 12 ट्रे के अंदर नहीं डाला जाएगा बल्कि 50-60 ट्रे में यहाँ पर एक बारी में ये बैटर डाला जाएगा। और ये काम पूरे दिन यहाँ पर चलता रहता है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में इडली बनती है यहाँ पर। खैर, बैटर डालने के बाद देखिए इन्होंने एक वाइपर लिया है और वाइपर की सहायता से बैटर को इस ट्रे में फैलाया जा रहा है कि जो इडली के सांचे हैं बैटर उनके अंदर घुस जाए और एक्स्ट्रा बैटर को खींच के अपना बाहर इस कंटेनर में निकाल लिया जा रहा है। तो मग से बैटर को लेकर इन ट्रेज में डाला जाता रहेगा और पीछे से वाइपर से इसे फैला के यहाँ पे सांचों में भरा जाता रहेगा। और इस तरीके से जब सारी ट्रेज के अंदर इनमें बैटर अपना फैल जाएगा उसके बाद ये ट्रे देखिए ली गई है और अभी ने रखा जा रहा है स्टीमर के अंदर। और क्योंकि इतनी सारी ट्रे में यहाँ पे बैटर लगाया गया है तो स्टीमर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है, और आप देखिए कितनी सारी भरी हुई ट्रे यहाँ पे बैटर की इसके अंदर रख दी गई है। अब इस स्टीमर को देखिए बंद कर दिया गया है और अगली 45 मिनट तक इन्हें स्टीम में पकाया जाएगा। और जब तक ये इडली पकेंगी इन्होंने देखिए दूसरी इडली की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए देखिए ये बहुत सारी कटोरियों से भरी हुई ट्रे ले रहे हैं और इन कटोरियों के अंदर भी इसी तरीके से अपना प्रेशर पंप से ये तेल लगा रहे हैं। तो इन ढेर सारी कटोरियों के अंदर अब यहाँ पे देखिए तेल लगाया जाएगा, और तेल लगाने के बाद अब दूसरी इडली का बैटर लिया गया है। ये बैटर है वाटी इडली का, इसे बनाया जाता है चावल और उड़द दाल से। अब इस बैटर को चमचे की सहायता से जिन कटोरियों में तेल लगाया गया है उनके अंदर लिया जा रहा है। और इस बार भी कोई 100-200 कटोरियों में नहीं लिया जाएगा ये बैटर बल्कि पूरी 3000 कटोरियों में तो एक लोट में ये बैटर लिया जाएगा। इतनी देर में जो अपनी शुरू में ट्रे वाली इडली लगाई थी वो पक के तैयार हो चुकी है, उन्हें देखिए अब यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकालकर इडली की इन ट्रेज को रख दिया गया है ठंडा करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ देखिए स्टीमर के अंदर पानी डाला गया है और जो अपनी कटोरियों के अंदर वाटी इडली का बैटर लिया था वो लेकर आए हैं और उन्हें अब इस स्टीमर के अंदर लगाया जा रहा है। तो एक के बाद एक करके यहाँ पे इन कटोरियों से भरी हुई ट्रे अपनी इसके अंदर डाली जा रही है स्टीमर में, जिसमें कि एक बार में ये 3000 वाटी इडली बनके तैयार होती है। तो अभी देखिए स्टीमर अपना पूरा भर गया है, तो अब इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे 45 मिनट इन्हें पकने दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो अपनी इडली निकाली गई थी ट्रे वाली वो ठंडी हो चुकी है, उन्हें अब देखिए ट्रे से बाहर निकाला जा रहा है। और आप स्पीड देखिए इडलियों को ट्रे से बाहर निकालने की, बिल्कुल फटाफट फटाफट करके आप देखिए कितनी तेज स्पीड से इडलियों को इनके सांचे से बाहर निकाल रहे हैं। और आप इडली की क्वांटिटी देखिए, कितनी सारी क्वांटिटी में इडली यहाँ पे एक लोट में तैयार हुई है, और ये तो ट्रे इडली है। अभी देखिए इतनी देर के अंदर अपनी दूसरे वाली इडली भी तैयार हो चुकी है, इनकी ट्रेज को भी अब बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकाल के यहाँ लाई गई है और इन इडलियों को बाहर निकालने का तरीका अलग है। इनकी कटोरी ली जाती है, उसे झटका जाता है, उसके अंदर से अपनी ये मोटी फूली हुई इडली निकल के गिरती है क्रेट के अंदर। इसी तरीके से एक एक कटोरी यहाँ पे खाली की जाएगी, सारी इडली अपनी इन क्रेट्स में इकट्ठी की जाएंगी। तो ये देखिए क्रेट के अंदर अपनी वाटी इडली इकट्ठी हो चुकी है और जो अपनी ट्रे वाली इडली पहले निकाली थी उन्हें भी देखिए अब इन खाली क्रेट्स के अंदर पलटा जाएगा और ये क्रेट्स अपनी ट्रे वाली इडलियों से भर ली जाएंगी। ये जो इडली यहाँ पे तैयार हो रही है प्राइस होता है इनका 6 रुपए एक इडली का, और आप माने या ना माने एक दिन के अंदर यहाँ पे 40 से 50 हजार इडली बनाई जाती है, जो कि ना केवल सांगली में बल्कि कोल्हापुर में भी जाती है। जितनी इडली का वेस्टेज निकलता है वो सारा खिला दिया जाता है गोमाता को और बाकी यहाँ पे कस्टमर्स को दे दिया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने आज से पहले कभी इतने बड़े लेवल पर इडली बनते हुए देखी थी और आपको ये इडली की मेकिंग कैसी लगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।